बीकानेर से प्रयागराज के लिए नई रेल सेवा शुरू हो गई है, जिसे चूरू सांसद राहुल कसवा और मेयर सुशीला कंवर ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से रवाना किया। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला शामिल हुए। वहीं बीकानेर रेलवे स्टेशन पर रवानगी से पहले इस ट्रेन को विशेष रूप से सजाया गया। बीकानेर से पहली बार सीधे प्रयागराज रवाना हुई रेल के यात्रियों में भी खुशी का माहौल था। प्रयागराज के साथ ही बीकानेर से सीकर चूरू झुंझुनू के लिए भी नई रेल शुरू हो गई है। फिलहाल ये रेल विशेष श्रेणी में है जो सितंबर तक चलेगी। एक यात्री भार सहित रहता है तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रयागराज जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट रेल सेवा का बीकानेर तक विस्तार किया गया है। इससे सप्ताह में चार दिन वाया सीकर फतेहपुर शेखावाटी चूरू व सप्ताह में तीन दिन वाया सीकर झुंझुनू लोहारू सादुलपुर चूरू संचालन होगा। यह रेल बीकानेर जयपुर बीकानेर के मध्य स्पेशल रेल सेवा के रूप में संचालित की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान की चूरू के लोकसभा सांसद राहुल कसवा। बात करते हैं प्रयागराज यहाँ से शुरू हो रही क्या। देखिए जी, इस ट्रेन की बहुत दिनों से डिमांड थी और इसके पीछे हम सभी लोग लगे हुए भी थे और आज बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं रेल मंत्री महोदय का, जिन्होंने इसका एक्सटेंशन दिया है बीकानेर तक का। एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी प्रयागराज के लिए और एक बहुत लंबा एक डिमांड तो क्षेत्रवासियों की थी, उस क्षेत्रवासियों की डिमांड को आज पूरा किया गया। ट्रेनों का बहुत बड़ा विस्तार पिछले 7 साल में देखने को मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रिफिकेशन का जो भी काम बड़ी प्रायोरिटी पे चल रहा है, इसके साथ साथ नई ट्रेनें बहुत मिली हैं और ऐसी एक सौगात इस बार और दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय के अंदर क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। चूरू को भी जोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन? हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन तो का वर्क रेवाड़ी से सादुलपुर चूरू रतनगढ़ होते हुए बीकानेर आ रहा है, वहां पे काम कंप्लीट हो चुका है। अब बीकानेर तक 2022-23 तक में कैसे उम्मीद है हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसके अलावा और कौन सी ट्रेन की डिमांड आप कर रहे हैं जिसके चलते चूरू को बेनिफिट हो पाए बीकानेर से होते हुए? देखिए जी, बहुत सी ट्रेनें हैं जिनकी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अभी इस बारे में मैं ज्यादा अभी बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि इसके बाद में उसके अंदर बड़ी समस्या आने लग जाती है। पर हमारी कोशिश पूरी है। हम जोधपुर, हमारा हनुमानगढ़ ट्रैक है सादुलपुर से हनुमानगढ़, वो ट्रैक अंडर यूटिलाइज है। हमारा सादुलपुर से लोहारू झुंझुनू होते हुए ट्रैक अंडर यूटिलाइज है। कोशिश यही है कि ट्रैक्स के ऊपर और ट्रेन मिले, इसी फोकस के साथ चल रहे हैं। जैसे डीएफसी हमारा खुल जाएगा तो हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा रेवाड़ी और दिल्ली के बीच में, तो और भी ट्रेनों को चलाने का मौका मिल सकता है। राजस्थान, इन सबसे हटके एक सवाल, राजस्थान की राजनीति के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना मानता हूँ कि विफल सरकार है और डेवलपमेंट का वर्क हुआ नहीं। सिर्फ हर एक चिंतन तो उदयपुर में कर ही रहे हैं पर हर एक लोकल एमएलए को इस मुख्यमंत्री तक का दर्जा दे रखा है, काम हो नहीं रहे, भ्रष्टाचार फैला है और करप्शन की हाइट्स के साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर, हमारा तो बॉर्डर इलाका है चूरू का, आए दिन बड़ी बड़ी मर्डर्स भी हुए हैं, आज तक केस सॉल्व हुए नहीं, बच्चे महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार तो टोटली विफल हुई है, जनता इंतजार कर रही है 2023 का बड़ी बुरी तरह। केंद्र के द्वारा जो इसमें पेट्रोल डीजल में और गैस में कुछ कम किया गया, क्या ये सब चिंता? देखिए, बैलेंस आउट करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए जो अभी रिडक्शन दी है, हम उम्मीद करते हैं स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़े क्योंकि एक साथ 1-9 रुपए का जंप दिया है, तो उम्मीद करते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अगर आगे आएंगी तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं इंटरनेशनल प्राइसेस यूक्रेन के कारण भी बहुत बड़े हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एक अच्छा स्टेप लिया है, बोल्ड स्टेप लिया है प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी इंडस्ट्री ने इसका बड़ा वेलकम भी किया है। उम्मीद करते हैं आगे ऐसी सरकार और राजस्थान सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। आज हाईएस्ट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान में है, हाईएस्ट रेट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स राजस्थान के अंदर है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। निश्चित रूप से ये थे राहुल कसवा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रयागराज जो ट्रेन है शुरू होने के बाद में एक अच्छी कही जा सकती है चूरू को एक अच्छा ब्रेक मिला है और बीकानेर से ये जाएगी और भी ज्यादा बढ़िया होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें मोदी सरकार के कामकाज को, उन्होंने सही ठहराया है। उसके अलावा 9 रुपए का बड़ा जंप माना है जो कि पेट्रोल डीजल में जो इतना बड़ा है, कहा जा सकता है कि रिलैक्समेंट है लोगों के लिए, और राजस्थान सरकार के कार्यकाल को विफल बताया। KK सिंह, A1 TV।